नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 7189 नियुक्ति पत्र जिला आवंटन पीडीएफ लिस्ट संशोधन कार्य जारी। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तारीख, शासन से अप्रूवल के लिए भेजा प्रस्ताव, एएनएम प्रोविजनल अभ्यर्थी फाइल की तैयारी विभाग को। दोस्तों, जितनी अपडेट बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। यह अपडेट सुबह 11 बजे की है। दोस्तों, सुबह आज जो है सुबह 11 बजे की मैं अपडेट आप लोग को बता रहा हूँ क्या हो रहा है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, 7189 अभ्यर्थियों का जो है नियुक्ति पत्र का जो है रास्ता एकदम साफ हो गया, आप लोग को पता ही है। दोस्तों, जिस दिन जो है कोर्ट का अपडेट आया है, फाइनल हुआ सब कुछ, उसके बाद से जिला आवंटन जो पीडीएफ लिस्ट थी दोस्तों, यह बहुत पहले ही बनकर तैयार थी, और जिसके कारण जो है जब यह आप लोगों का कोर्ट का आदेश आया है, जब ऑर्डर लिस्ट आई है आप लोग की ऑर्डर, उसके बाद जो है जो पहले का पीडीएफ बना हुआ था दोस्तों, उसमें कुछ संशोधन था, वह संशोधन जो है आज हो रहा है। दोस्तों, यह संशोधन शनिवार को ही हो जाता, लेकिन उसमें समस्या इस बात की थी कि उस दिन जो है वर्चुअल मीटिंग थी, आप लोगों ने देखा ही था, काफ़ी देर तक जो वर्चुअल मीटिंग चली और जिसमें निर्णय लिया गया कि जनवरी से लेके मार्च तक जो है मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र की जो है सभी अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र देंगे जनवरी से मार्च तक, और सभी जिले के सीएमओ सर को आगाह भी किया गया कि निर्देश भी दिया गया कि आप लोग अपनी तैयारी किए रखिएगा। और यह पीडीएफ लिस्ट जो संशोधन है दोस्तों, यह जारी है, काम हो रहा है। जहाँ तक है कि अगर यह जैसे ही कंप्लीट हो जाता है संशोधन, उसके बाद आपको शाम तक, देर शाम तक हो सकता है दोस्तों, मैं आप लोग को क्लियर नहीं बता रहा हूँ, देर शाम तक जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा तो देर शाम तक हो सकता है आप लोग को यह लिस्ट देखने को मिल सकती है। अगर आज यह लिस्ट नहीं देखने को मिलेगी तो दोस्तों कल या परसों जरूर आपको देखने को मिलेगा। और जब नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम घोषित हो जाएगा उसके 1 से 2 दिन पहले आप लोग को देखने को मिल सकता है। और इसके साथ दोस्तों, जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की तारीख है दोस्तों, वह तब जो है पता चलेगी आपको जब यह काम पूरा हो जाएगा। जब तक यह काम पूरा नहीं होता है, जिला आवंटन पीडीएफ लिस्ट नियुक्ति आदेश जो होता है हर ज़िले का अलग अलग करके होता है दोस्तों, जैसे जितने अभ्यर्थी हर ज़िले में सिलेक्ट हुए हैं तो हर ज़िले का अलग अलग, यानी 75 जिले का नियुक्ति आदेश तो दोस्तों एक ही रहेगा, लेकिन वह 75 जिलों का अलग अलग पीडीएफ करके बना रहेगा किस ज़िले में कितने अभ्यर्थी फाइनली सेलेक्ट हुए हैं और किनको नियुक्ति पत्र जारी किया जाए, किनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। इतना काम दोस्तों चल रहा है परिवार कल्याण स्वास्थ्य विभाग में, और जैसे ही यह काम खत्म होगा उसके बाद जो है आपको नियुक्ति पत्र की तारीख देखने को मिल सकती है। और शासन से अप्रूवल के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है, वहाँ से यही बात चली है कि जैसे ही आप लोग जिला आवंटन का काम जो है समाप्त होगा उसके बाद जो है अप्रूवल मिल जाएगा, मिलने के बाद जो है आप लोगों को नियुक्ति पत्र किस दिन मिलेगा वह बता दिया जाएगा। मैंने आप लोग से बताया था दोस्तों कि सोमवार को नियुक्ति पत्र का जो है जो जिला आवंटन पीडीएफ लिस्ट है सोमवार को जहां तक है मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों पहले से पीडीएफ बनके तैयार थी, अगर संशोधन ना होता तो दोस्तों आज आपको देखने को मिल जाता, लेकिन संशोधन का कार्य जारी है, सब कुछ काम चल रहा है, हो सकता है शाम तक आपको देखने को मिल जाए। बात कर लेते हैं आपसे दोस्तों, यह एएनएम जो प्रोविजनल के अभ्यर्थी हैं दोस्तों, इनकी फाइल की तैयारी हो रही है और यह फाइल की तैयारी विभाग को भेजी जाएगी। विभाग को भेजने के बाद अब विभाग जो है डीवी कराएगा, जैसे ही नियुक्ति पत्र का काम समाप्त होगा उसके बाद जो है एएनएम जो प्रोविजनल एएनएम बहने हैं इनका जो है फाइल तो तैयार ही रहेगा, बस उसमें कौन से डॉक्यूमेंट की कमी है वही डॉक्यूमेंट लगा के इनका भी डीवी जिला प्रेफरेंस करा कर इनको भी नियुक्ति पत्र जल्द ही दिया जाएगा। दोस्तों, इन लोगों का भी काम चल रहा है, बहुत से एएनएम बहने कह रही थी सर प्रोविजनल का भी बता दिए क्या हो रहा है, प्रोविजनल की का भी दोस्तों विभाग आयोग में काम चल रहा है, विभाग जो है आप लोगों का सब काम करेगा, आयोग से फाइल विभाग को जाएगी, विभाग ही सब अपना जो है डीवी जिला प्रेफरेंस और नियुक्ति पत्र नियुक्ति आदेश सब आयोग के ऊपर रहेगा। और इसके साथ दोस्तों, जो मैंने आप लोग से कहा था कि आप लोगों को जल्द ही सब कुछ देखने को मिलेगा, और सबसे पहले जो है दोस्तों जो जनवरी से मार्च तक नियुक्ति पत्र की तैयारी का बताया गया है मुख्यमंत्री जी के आदेश पर, सबसे पहला अगर नियुक्ति पत्र है वह है एएनएम का। दोस्तों, एएनएम का नियुक्ति पत्र सबसे पहले मिलेगा, उसके बाद अन्य भर्ती का नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी देंगे। और एएनएम जो बहने हैं उन लोगों को, कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र लखनऊ में बुलाकर मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाएगा,
और उसके बाद वर्चुअल मीटिंग जैसे होती है, तो दोस्तों वर्चुअल हिसाब से जो है, जैसे होता नहीं है कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल करके होता है, उस हिसाब से हर ज़िले में जो है मुख्यमंत्री जी बात करके और विधायक और सांसद जी के माध्यम से, सीएमओ सर जी के माध्यम से नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम करवाएंगे दोस्तों। तो प्रोविजनल की एनम बहने एकदम ना परेशान हो, 1 से 2 दिन दोस्तों यह जिला आवंटन के लिए देखने को आपको मिल सकता है। जो बता रहा हूँ दोस्तों रियल आप लोग को मैं बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों से कहा था कुछ कारण बस आज हो सकता है ना ही हो सकता है देर शाम तक आप लोग को देखने को मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।